तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि उपखंड अधिकारी फतेहगढ़ के निर्देश पर फतेहगढ़ तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ टीम द्वारा मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के वक्त कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके को 24 घंटे के लिए सीज किया गया एवं लाइसेंसधारी को हिदायत दी गई कि दोबारा उल्लंघन करने पर पूरे लॉकडाउन तक ठेके को सीज किया जाएगा। जिला कंट्रोल रूम से प्राप्त शिकायत के आधार पर पटवार मुख्यालय किता में बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन पहुंचा। मौके पर कंट्रोल रूम में किता में पूजा कंवर की शादी की शिकायत के संबंध में जांच करने के लिए भू अभिलेख निरीक्षक देवीकोट के साथ मौके पर तहसीलदार पहुंचे और पीईओ किता से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूजा कंवर नाबालिग है और नवी कक्षा में अध्ययनरत है। इस पर टीम द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष पूजा कंवर की माँ निशा कंवर पिता सुजान सिंह जाति राजपुरोहित को पाबंद किया कि नाबालिग का विवाह नहीं करवाएं अन्यथा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी सतत निगरानी के लिए ग्राम पंचायत किता के कोर कमेटी को पाबंद किया गया।